जिस मुद्दे पे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ वो मेरे दिल के बड़े करीब है. इट पर्टेन्स टू पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ इन इंडियन पॉलिटिक्स. इससे भी पहले आना चाहते थे क्या? मैं बताता हूँ सर मैं क्यों ये मुद्दा उठा रहा हूँ. सर भारत देश इस दुनिया के सबसे युवा देशों में आता है. वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. हमारे देश की औसत उम्र मात्र 29 साल है. हमारे देश की 65% आबादी 35 साल से कम आयु की है. हमारे देश की आधी आबादी 50% से ज्यादा आबादी 25 साल से कम आयु की है. लेकिन क्या हमारे नेतागण हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भी इतने युवा हैं? ये सवाल मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं सर. सर आपको जानकर अचंबा होगा कि फर्स्ट लोकसभा जब इस देश की चुनी गई थी, जब देश आजाद हुआ पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उस लोकसभा में 26% लोग 40 साल से कम आयु के थे. और अभी 17वीं लोकसभा जो अभी 2-2.5 महीने पहले समाप्त हुई, उस लोकसभा में मात्र 12% लोग 40 साल से कम आयु के थे. तो जैसे जैसे देश जवान हो रहा है हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उस जवानी से काफी दूर होते जा रहे हैं. वी आर अ यंग कंट्री विद ओल्ड पॉलिटिशियंस. वी मस्ट एस्पायर टू बिकम अ यंग कंट्री विद यंग पॉलिटिशियंस. और ये क्यों हो रहा है सर? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉलिटिक्स इज कंसिडर्ड टू बी अ बैड प्रोफेशन. जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप कहते हैं कि बड़े होके बेटा डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, स्पोर्ट्स पर्सन बनना, साइंटिस्ट बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना. कोई ये नहीं कहता कि बड़ा होके नेता बनना, राजनीति में जाना. तो मुझे लगता है कि आज हमें युवाओं को इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है ताकि वो भारत की मुख्य धारा की राजनीति में आए. और इसके लिए सर मैं ये सुझाव लाया हूं कि, और मेरे आपके माध्यम से निवेदन है भारत सरकार से, कि इस देश में चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल है. आप लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, वो चुनाव लड़ने के लिए आपकी कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए. मैं आपके माध्यम से ये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार उस उम्र को 25 से घटाकर 21 साल करे, और 21 साल का युवा हमारी मुख्य धारा की राजनीति में अगर आना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे अनुमति मिलनी चाहिए. सर जब देश का युवा 18 साल की उम्र में वोट डालकर अपने सरकार चुन सकता है, देश का भविष्य चुन सकता है, तो वो 21 साल की उम्र में चुनाव लड़ सकता है. और आखिरी वाक्य